पकड़ लो बाह गिरिधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हमारा, कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पड़ी मंझधार में नैया, खवैया कोई नहीं अपना। पड़ी खवैया आप बन जाओ, कि नैया पार हो जाए। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा, जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। जमाने हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाल कृष्ण लाल। धर्म प्रेमी बंधु, राजा परीक्षित गंगा की पवित्र वेदी पर बैठे हुए अपने सदगुरु मुनि सुखदेव जी महाराज से भगवान के भक्तों की अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं सुनते सुनते उनके मन में इस कदर प्रसन्नता है, मानो उन्हें मौत का भय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। मुनि सुखदेव जी भगवान के भक्तों के चरित्र गाने में इतना आनंद मान रहे हैं, मानो कि उन्हें त्रिलोकी का सुख मिल रहा हो। राजा प्रश्न करते, हे गुरुदेव, आप कितने दयालु हैं, आपने मुझे मेरे जीवन को मुक्त करने के लिए, बंधन रहित करने के लिए आपने कितने सुंदर वर्णन किए,
प्रभु मेरे मन में उत्कंठा है, जानने की तीव्र इच्छा है, आप यह बताओ कि भगवती गंगा का इस मर्त्यलोक में शुभागमन कैसे हुआ। आख्या कर दे जेरी गंगा है वो तो स्वर्ग लोकें च रौंदी ही इत्थे मात लोकें च कियां आई वसी। बोल श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बाल कृष्ण लाल मुनि सुखदेव जी वर्णन करते हिराजन। एक समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा सगर हुए। राजा सगर भगवान के परम भक्त थे, लेकिन राजपद पाते ही न जाने उनकी आंखों में कैसी मस्ती आ गई, ईश्वर विमुख हो गए। सचमुच ही अमीरी से गरीबी अच्छी होती जिसमें भगवान का स्मरण रहता। जिया कोई अमीर बंदा उसी परमात्मा भुल जंदा। कंधा कच्चिया होण तुंदियां, दरवाजा नहीं हुए ते खरे हो की खरे की पे जेड़ा भी कोई राह रन दुआरा ना पानिया का घुट पीन गया तुंदा टुरी जाग। पर जेल गेट बंद है ते घंटी टर्न टर्न करने लगी दी, घंटी बजांदे भी झक आंदा कोई रिश्तेदार थोड़े है ना। मुनि सुखदेव जी कहते कि राजा सगर भगवान की भक्ति से दूर होने लगे। समय बीतने लगा, राजा सगर के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस रखा। एक जाग तो या दो रानियां ही है राजे जी, जेड़ा पलोठी का जागत हा ओदा नाम असमंजस हा। असमंजस योगी हा, जागत का ब्याह भी करवाया पर जागत सुधरिया नहीं। मतलब जेड़ी तपस्या करता हा उन्हें वो तपस्या छोड़ी नहीं। अपनी लगन दे विच कई कई चिर बैठे रहना दरिया दे कंडे। एक दिन की होया असमंजस जागते कने न रह रहा, तीनों दिनों दे जागते की पानिया च डोबी उड़े। कीती ते गलत गै गल जागते की नहा डोबना, पर योगिया दी मौज आई चलो मारिए परतिए जिंदे करो।
उन्हें सारे ही डूबिया जिले दिखिया सब डूबी पर तीये बार गड्ढे दे जींदे करी उड़े। जिले बब्बे की पता लगा कि मेरे पुत्र ने बच्चे डूबे उन्हें उसी देश में काला दे उड़े पुत्र करा बार गड्ढी उड़िया पर उदे कर थोड़े चिरे पोत्रा हुई पी जिसी बार गड्ढी उड़िया बड़ा खुश है। संतों के लिए घर और प्रदेश में कोई फर्क नहीं होता। उनके लिए जनिया घर हुंदा निया गया प्रदेश हुंदा फर्क भी के फर्क ते जिहड़े अस लोकां दुनियादारी च फसे दे उन्हें लोकें की हुंदा मैं इत्थे जांग मेरी रिश्तेदारी है मी कोई के आखो ही। राजन राजा सगर ने पुत्र कामना से भगवान शंकर की तपस्या की। जिले शिव जी महाराज का तप किया कुदा शिव जी खुश होइए जिले प्रगट हुए वरदान देने लिए तो उन्हें एक गल आखी बरम ब्रूही हे वत्स प्रसन्नोस्मी ते सर्वदा यत्किंचिदपि चित्ते ते तदवदस्व ममाग्रता। आखन लगे बच्चू मैं तुगी वरदान देन आया ते तू वरदान मंगी लै जो तेरे मन दी मुराद है सो मंगिया। उसने के मंगिया कि मिगी तुस के देओ एक ते मिगी पुत्रे दी चाहना है ते दुई सेना दी कि मैं राजा ते मिगी फौज चाहिदी है जेड़ी मैं अज भर्थी करना कल पैसे देने पौंदे अत्रू नस्सी जांदे मेरे पुत्र भी उऐ होण ते मेरी फौज भी उऐ होवे। भगवान ने पूछा किन्ने पुत्र चाहना है। राजे ने आख्या मिगी 60,000 पुत्र देई उड़ो। भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया और अंतर्धान हो गया। आख्या तेरा होई जांगण आपू भगवान छत्ती। कुछ समय बीतिया रानी दे पुत्र कोई नहीं होए पुत्रे दी जगह एक मासे दी लोथड़ी हुई इं मासे दी ढिली जनी। राजे ने मासे दी ढिली देखी ते शिवजी की याद कीता भगवान तू आख्या कि तेरे 60,000 पुत्र होंगन दिता नहीं तू एक भी। जिले भगवान उपर रो करे दे आकाशवाणी हुई राजा सगर इस मांस की लोथड़ी के 60,000 छोटे छोटे टुकड़े करो और एक एक टुकड़े को घी से भरे हुए घड़े में डाल करके 60,000 घड़े धरती में गाड़ दो। धरती च गत कड़ी है घड़े दबी उड़ घड़े कने जिहड़े पकाए दे नहीं होण आवे च कच्चे घड़े। जिले गल आखी उस वेले 60,000 बोटियां कीतियां एक एक पीस घड़े च पाया ते दबी उड़े। समय आने पर जेल वो घड़े पुट्टे उन्दे विचारा बड़े सोने पुत्र निकली उन 60,000 पुत्र ते एक पोत्रा अंशुमान है।
बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल जिले राजे दी इन्नी फौज हुई पुत्र जवान हुई उन एक कोला एक वद सूरमा हा। राजे ने दुनिया जीती ली ते अश्वमेध जग करना शुरू कीते। इन्ने इन्ने वड्डे जग कीते सारे लोकें दे विच एक गल फैली कि राजा बड़ा दानी है। जिहड़े वड्डे लोक दान करदे ना अपना नाम बधाने लई दान करदे। इह हुंदा चलो ना चमकी जा कोई जानी लै बड़े भगत लभदे ना। अजकल भगत भगवान दे कैलेंडर छपवांदे ते कैलेंडरे दे हेठ के लिखे दा हुंदा कि हमारे यहां मनियारी का समान सस्ता मिलता है। उपर भाड़े वाली माता की तस्वीर है ते थल्ले वो कैंची चप्पल पाई दी है। भाड़े वाली माता की भगती थोड़े भगती दी उस चपली दी है भी मती बिकी जा। अजकल बड़े स्याने स्याने भगत ना। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल जिसले राजे ने सोमा अश्वमेध यज्ञ शुरू किया जिला सुरगे दा राजा इंदर हा। यज्ञ दे घोड़े की चुराई है कुदे पाताल लोक बन्नी आया जिथे कपिल मुनि दा आश्रम हा। राजे ने अपने सारे पुत्रें की आख्या कि तुस जल्दी जल्दी घोड़े की तुप्पो मैं उस लै रुट्टी खानी जेलै तुस घोड़ा तुप्पी लैगे। उन्हें सारी दुनिया छानी मारी घोड़ा जाई तुप्पिया पताल लोकें च जिथे कपिल मुनि बैठे दे ते घोड़ा कोल वज्जे दा। पर अकली दा घाटा हा जाच नहीं जे कुसै संत महात्मा की बुलाना ते कियां बुलाना उदे कोल जाना ते उसी की आखना। कपिल मुनि तप करा रहे उन्हें जंदे गए दिखिया भी घोड़े का चोर इये बाबा। जंदे पैरा दी ठोकर मारी कि बाबा घोड़ा चराइए ते हुण इत्थे खेचला होइए बेह रहे हैं अपने आप की छुपा करना है। कपिल मुनि तो समाधिस्थ थे
उन्हें पता नहीं घोड़ा कुन्ने आंदा दे हाथी कुन्ने लेता। जेल उन्हें पता नहीं हा छड़िया अखियां खुलने की शर्त हुई बावे दिया 60,000 पुत्र जलिए सुहा हुई भूके आंदी ते फूके जंदी। जिस चाल नहीं आवे उसे चाल नहीं ते जंदी। ये गल वखरी है। फिर जोस्तियों कोल बड़िया जरातां लवांदे प्रश्न लवांदे महाराज जी पैसे गए उठी के करचे। ओ भाई जी आए दे गए उठी जोस्ती। एक पंजाब च ज्योतिषी ने उन्हें बड़े लोगों ने प्रश्न लाने रुपया कट्ठा हुई है 35,000। एक दिन त्रकाले कोई पिया 35,000 लई है। ज्योतिषी और लोगों ने प्रश्न तो लाते हैं हूँ अपना कौन ला मिगी जिसलै मिले लोकें सनाया महाराज स्वामी जी बड़े दुखी ने। मैं पूछया महाराज के गल हुई। आखन लगे महाराज मैं बड़े लोगों ने प्रश्न लाए मेरा तुस लाओ मैं क्या है मेरे पैसे लिया कौन ले आओ। मैं आख्या भाई जिदे ऐसे ले आना जिस चालनी तू कमाए दे है ना इस चालनी कोई ले तो तू कि तंगी हो। पर नहीं तंगी बड़ी होंगी मेरे जने की तंगी भी गई होनी। उन्हें बड़ले बड़ले हूं कुदै गेदा है ना नौन शौन ते कुसे दी चादर ही उपर ले दी रही होनी। उत्थे एक दूए की पुछन चादर कुत्थे है ते जे मी पुछदे भई तू सराह कुत्थे ते मैं आखना दित्ती गल ही मेरे जे बंदे की कदर है भाई। पर जिन्हें कमाए दे ने शैल अड लाई है उन्हें ते कदर होनी है। जिथों दा आवे दे ना उत्थे गै जा दे। एक फिलासफर हा ते कुदै मंदरे दे कोल खड़ोते दा हा गल्लां बड़ियां करदा। उन्हें जिसी ने उसे ही सवाल पुछना एक कुड़ी आई ते कुड़ी ने जोत ही बाली ते मंदर ही जा दी। फिलासफर ने आंदे गए पुछया कुड़िए ये क्या है। उन्हें कहा जोत। उन्हें कहा ये ते अग है। अग कुत्थों आई। उन्हें फूक मारी दसा ली उड़ी। उन्हें कहा जिथों आई उत्थे गई उठी। उन्हें कहा आई कुत्थों। कुड़ी ने तो जवाब दे उड़े भी जिथों आई उत्थे गै गई उठी। लेखा मुक्की गल्लां गै मुक्की जांदियां सज्जनो जिथों चीज आउंदी उत्थे टुरी जांदी। तुंदा के जाल इत्थे ना अफसोस करने की जरूरत है ना गै शोक करने की है। जो कुछ होया करता वह अपने आप होया करता। जे बनी जा ते परवाह नहीं जे बिगड़ी जा ते परवाह नहीं। असें अपने हथे बनाए दा हुंदा इसलिए दुख बड़ा हुंदा। उहे कड़ा दुख असें फाई च पा दा। असें गी कुसे पासे निकलिए जान नहीं दे दा कि कुत्थे जान मेरी चीज इत्थे पिछे रही जानी है। जिथे पिछे इन्ना माल सवाब है साड़ा उत्थों दी असें चिंता नहीं। इत्थे ते चार दिन गए आए दे होया ना सारे इहदे कोला पहले भी कुदै असर आउंदे हे। इत्थे ते इयां आए दे आ जियां रिफूजियां दे कैंप लगे दे होण। मन्निया मजा बड़ा मुख तो मुख ते दुनिया चीजां थोड़ियां पर नहीं रौहणे वाले कुसे होर जगह दियां।